नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से जयनगर बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है या वीडियो है वो है नई दिल्ली से जयनगर बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे नई दिल्ली से जयनगर बिहार तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में बात करेंगे। जानेंगे वो जो ट्रेन है नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और जयनगर में कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है और नई दिल्ली से जयनगर की दूरी कितनी देरी में कवर करती है, उसके कितने स्टेशन हैं, कौन कौन से दिन जो है ट्रेन नई दिल्ली से चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पर मुख्य तीन ट्रेनें चलती हैं। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो है आनंद विहार टर्मिनल जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि 20 घंटे 30 मिनट में नई दिल्ली से जयनगर की दूरी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं उन सभी ट्रेनों के बारे में जो कि नई दिल्ली से जयनगर बिहार को कनेक्ट करती हैं और उन ट्रेनों की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली ट्रेन के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी है इस रूट पर, जिसका नाम है आनंद विहार टर्मिनल जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12436। आनंद विहार टर्मिनल से हर मंगलवार और शनिवार को शाम को 5:20 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20 घंटे 30 मिनट बाद ये ट्रेन जो है जयनगर में दोपहर के 1:50 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं, 1252 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 61 किलोमीटर पर आवर है और यह गरीब रथ टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और इसमें अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें तकरीबन जो है 18 कोचेस हैं, ICF कोचेस वाली ट्रेन है, थर्ड AC के कोच होते हैं जिसमें कोई भी डायनेमिक फेयर लागू नहीं होता। तो आप जो है थर्ड AC की बुकिंग करवा के इसमें जा सकते हैं। थर्ड AC का भी नॉर्मल थर्ड AC से कम किराया होता है गरीब रथ एक्सप्रेस में। इसके बाद जो दूसरी और कह सकते हैं सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है इस रूट पर वो है अमृतसर जयनगर क्लोन स्पेशल ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 04652। ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर इतवार बुधवार शुक्रवार को शाम के 6:10 पर 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25:50 बाद जयनगर बिहार में रात के 8:00 पहुंचती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं। 1223 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन से यहां तक कवर करती है और एवरेज स्पीड इस रूट पर 47 किलोमीटर पर आवर है। हम सफ़र टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो दो तरह के इसमें कोच हैं, स्लीपर क्लास और थर्ड AC के कोच इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरी और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेन इस रूट पर चलती है, जो कि रेगुलर बेसिस पर चलती है, डेली ट्रेन है, जिसका नाम है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि नई दिल्ली से रोजाना रात के 9:15 पर 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:10 बाद जयनगर बिहार में अगले दिन शाम के 7:25 पर 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसका ट्रेन नंबर है 12562 और इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं। 1235 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 56 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। AC इकोनॉमी के भी कोच इसमें शामिल हैं और पेंट्री कार का कोच भी इसमें जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ नई दिल्ली से जयनगर बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।